नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स की पाठशाला में। और आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB इंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के ऊपर। मित्रों, इस वीडियो में मैंने BHU LLB का जो 2018 का क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 170 क्वेश्चन आते हैं जिसे आपको 2 घंटे के अंदर करना होता है। इन 170 क्वेश्चंस में से 130 क्वेश्चन जो है वो उसमें आपका जीके जीएस रहता है, कुछ रीजनिंग रहता है तथा कुछ मैथ्स रहता है। और दूसरे खंड में जो है उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में 20-20 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपको किसी एक या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी में आपको करना होता है, ठीक है। और इसका ये भी है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है तथा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर वो काट लेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग को ननकी पालकी वाला द्वारा संविधान का पहचान पत्र के रूप में वर्णित किया है? इसका आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वह ननकी पालकी वाला द्वारा संविधान का पहचान पत्र के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। अब अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो अनुच्छेद आपका 51 है, 51 में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग के अंतर्गत आता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब अगला सवाल, भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? इसका आंसर होगा फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन राज्य के जो भाषा के आधार पे गठन के लिए किया गया था, ठीक है। अच्छा, भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला भारत का पहला राज्य था, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में भारतीय मूल का व्यक्ति PIO के संप्रत्यय को समावेशित किया गया वर्ष कौन सा है, ठीक है। इसका आंसर होगा 2002। 2002 में भारत में भारतीय मूल का व्यक्ति के संप्रत्यय को समावेशित किया गया था, ठीक है। अब अगला सवाल, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को समावेशित किया गया था? इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति का जो थे उन्हीं के कथन, उन्हीं के आधार पे भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। अच्छा, मूल कर्तव्य जो है वह 51A में वर्णित है, 51A में मूल कर्तव्य को रखा गया है और इसे 42वें संशोधन में 1976 में इसे शामिल किया गया था और इसे रसिया से लिया गया था। जो मूल कर्तव्य है उसे भारत ने रसिया के संविधान से लिया है और सब मिला के, कुल मिला के मूल कर्तव्य 11 है, ठीक है। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा समावेशित किया गया था। अब अगला सवाल, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष थे आपके BG खेर। BG खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अच्छा, राजभाषा जो है वह संविधान के जो भाग 17 है उसके अंतर्गत आर्टिकल 343 में जोड़ा गया है, जिसमें से राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया है, ठीक है। कितना? 343 में अनुच्छेद के में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। संविधान में अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को भाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है और 1955 में पहला आयोग जो था भाषा से संबंधित वह बनाया गया था BG खेरा के अध्यक्षता में और इन्होंने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BG खेरा। अगला सवाल, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित किस अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के आधार पर सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर होगा चौथा में जो 12वां है, अनुच्छेद 12वां में शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जोड़ा गया है, ठीक। अगला सवाल, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है या किससे संबंधित है? मंत्रियों के शपथ प्रतिज्ञान से, जो हमारा शेड्यूल है अनुसूची है उसमें तीसरी अनुसूची जो है उसमें मंत्रियों के शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है। अगला सवाल,
अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। इसका प्रावधान किया गया है किस में? अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए प्रावधान किया गया है। जो अंतर्राज्यीय नदियों या फिर नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है, और यह अनुच्छेद 262 में प्रावधानित किया गया है। अगला सवाल, संघ लोक सेवा अपनी वार्षिक प्रतिवेदन देगा, किसे देगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं तथा उनके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और संघ लोक सेवा आयोग जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा वह राष्ट्रपति को ही देगा। अब अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? यह हेग में अवस्थित है। हेग जो है वह नीदरलैंड की राजधानी है, और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अवस्थित है, और यहाँ की जो सरकारी भाषा है इस न्यायालय की वह फ्रेंच और अंग्रेजी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 2 बार न्यायाधीश चयनित किया गया? इसका आंसर होगा न्यायाधीश दलवीर भंडारी। न्यायाधीश दलवीर भंडारी जो भारत के हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 बार न्यायाधीश चयनित किया गया। अच्छा, भारत की तरफ से इस न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह भारत के पहले व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे, और 2 बार न्यायाधीश चयनित होने वाले कौन हैं? न्यायाधीश दलवीर भंडारी। अगला सवाल, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, कहाँ पे है? चेन्नई में। चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है। अगला सवाल, द डॉली इनकैपेक्स है, द पद डॉली इनकैपेक्स क्या है? पद डॉली जो इनकैपेक्स है वह 7 वर्ष से कम आयु के लिए है। पद डॉली इनकैपेक्स 7 वर्ष से कम शिशु के लिए है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में अग्रिम जमानत का प्रावधान उपलब्ध नहीं है? यह होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ पे अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विधि नहीं है? इसका आंसर होगा स्वयनिधि। स्वयनिधि जो है पर्सनल लॉ जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है। वहीं जो आपका ये पहला ऑप्शन है परिपत्र, तीसरा ऑप्शन जो है कस्टम प्रथा, और चौथा ऑप्शन नोटिफिकेशन, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है, लेकिन पर्सनल लॉ जो है वह इसके अंतर्गत विधि नहीं है। अगला सवाल, भारत का संविधान लागू किया गया, भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों आप इसका ध्यान रखें कि लागू जो है वह 26 जनवरी 1950 को किया गया था, और इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब अगला सवाल, भारत के संविधान के अंतर्गत अवशेषी विधायन शक्ति निहित है, इसका आंसर होगा सांसद। सांसद जो है संसद को भारत के संविधान के अंतर्गत अवशेषी विधायन शक्ति निहित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस उम्र समूह के बालक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत हकदार हैं? इसका आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वह भारतीय संविधान के अंतर्गत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के हकदार हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हत्या के अपराध को मानव वध में विघटित कर देती है? इसका आंसर होगा प्रकोपन। प्रकोपन जो है वह हत्या के अपराध को मानव वध में विघटित कर देती है। अब अगला सवाल, UIDAI क्रियान्वयन के लिए दायी है, यह क्या है? आधार कार्ड। जो आधार कार्ड था वह UIDAI क्रियान्वयन के लिए दायी है।
अच्छा आधार कार्ड क्या होता है? आधार कार्ड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यह भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है, जिसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। कितने अंकों की? ये याद आप याद रखिएगा कि यह 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है, ठीक है। और आधार योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह जनवरी 2009 में शुरू की गई थी, ठीक है। अब अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यह 2 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। अच्छा, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो है 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस। ये 5 जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, तथा 10 अस्थायी सदस्य 2-2 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसने आईसीजे में कुलभूषण जाधव के मामले में निर्णय सुनाया है? इसका आंसर होगा रोमी अब्राहम। रोमी अब्राहम ने आईसीजे में कुलभूषण जाधव के मामले में निर्णय सुनाया है। आपको यह ध्यान होगा कि कुलभूषण जाधव जो भारत के नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्हें पाकिस्तान ने गलत नीति के तहत अपने जेल में बंद कर दिया है और फांसी की सज़ा सुनाई है, जिसे भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में इसका उठाया गया है मामला, और इसी मामले में निर्णय जो है रोमी अब्राहम ने सुनाया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं। अब अगला सवाल, प्रशासन को संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित देशों में से किस देश से ली गई है? प्रशासन की संसदीय व्यवस्था जो है वह इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से भारत में प्रशासन की संसदीय व्यवस्था ली गई है, ठीक है। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने हरिजन शब्द का सृजन किया? इसका आंसर होगा हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने हरिजन शब्द का सृजन किया था। अब अगला सवाल, अगला सवाल है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक प्रणाली से संपदा एवं उत्पादन के संसाधनों के केंद्रीकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा, यह कहाँ प्रदत्त है? यह जो है वह अनुच्छेद 39 में लिखा गया है। अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक प्रणाली से संपदा एवं उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा, और यह राज्य नीति निदेशक तत्व अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अगला सवाल, माली मत समिति के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित में से कौन विषय था? इसका आंसर होगा आपराधिक न्याय एवं प्रशासन सुधार। माली मत समिति के क्षेत्राधिकार में आपराधिक न्याय एवं प्रशासन सुधार संबंधी विषय था। अगला सवाल, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में निम्नलिखित में से किसे अभियुक्त नहीं बनाया गया है? इसका आंसर होगा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया है। यह मामला 1992 का है, 1992 जो ईयर था उसी समय बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को अभियुक्त नहीं बनाया गया है। और अन्य जो लीडर हैं, जो आपका ऑप्शन है ऊपर, LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह, ये सब जो हैं बीजेपी के नेता थे, अभी भी हैं, और इन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अभियुक्त नहीं बनाया गया है। अगला सवाल, अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है, इसका चलन किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय है? इसका आंसर होगा 17, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता दंडनीय है, और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, और यह आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है अस्पृश्यता का अंत। अगला सवाल, राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कितना होगा? 25 सदस्य जो होते हैं वह गण पूर्ति के लिए राज्यसभा में आवश्यक है।
आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो राज्यसभा में है कुल 245 सदस्य होते हैं, ठीक है, और 245 सदस्य का जो 1/10 होता है, लगभग 25 सदस्य, वह राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए आवश्यक है। अब अगला सवाल, अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 227 जो है वह आपका न्यायालयों का उच्च न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति, अनुच्छेद 227 संबंधित है न्यायालयों का उच्च न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति। ठीक, अगला सवाल, ILO का मुख्य कार्यालय स्थित है, ILO का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड जो देश है उसकी राजधानी जेनेवा है, और यहाँ पे ILO जो है उसकी उसका मुख्य कार्यालय है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य किस कौन चुनता है? राज्यसभा का सदस्य राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक, अच्छा, राज्यसभा के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में अभी 245 सदस्य हैं। ठीक है, और यह जो है आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राज्यों की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसकी जो है इसके सदस्य चुने जाते हैं, और 245 में से जो 12 सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 245 में से 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 233 सदस्य राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अगला सवाल, किसी भी फैक्ट्री अथवा खनन खान में नियुक्ति की न्यूनतम अनुज्ञेय आयु क्या है? इसका आंसर होगा 14 वर्ष। अगर किसी भी फैक्ट्री या खान में किसी जो बालक की अगर उनको आप नौकरी लगा रहे हैं या फिर उसे काम पे रख रहे हैं तो उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए, और यह आर्टिकल जो है 24 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग के आर्टिकल 24 के अंतर्गत इसे रखा गया है कि 14 वर्ष की आयु से कम बालक को फैक्ट्री खान में काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा 29 एवं 30। आर्टिकल 29 एवं 30 में भारतीय संविधान के संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग जो है उसके अंतर्गत आर्टिकल 29 और 30 में आता है कि किसी भी समुदाय के लोगों के लिए संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार प्रदत्त की गई है। और आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 29 में जो है उसमें है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, और 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, तो 29 और 30 में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार प्रदान किया गया है अल्पसंख्यकों को। ठीक, अगला सवाल, राष्ट्रपति निम्न में से किसे छोड़कर सभी को नियुक्त कर सकता है? इसका आंसर होगा राज्यसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला सवाल, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? यह तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि 12 सदस्य जो होते हैं उन्हें राज्यसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। टोटल 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, और 233 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला सवाल, उपताप हो सकता है, उपताप क्या हो सकता है? लोक एवं निजी, जो उपताप होता है वह लोक एवं निजी दोनों हो सकता है। अगला सवाल, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संशोधन द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है तथा इसी अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। और यह प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था, ठीक है। अगला सवाल, हिंदू विवाह अधिनियम में प्रयुक्त हिंदू में शामिल है, जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें जो प्रयुक्त हिंदू शब्द है उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें आपका बौद्ध भी शामिल है, सिख भी शामिल है, जैन भी शामिल है। मतलब उपरोक्त सभी जो हैं, मतलब बौद्ध, सिख और जैन, ये तीनों इस हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदू शब्द के रूप में सम्मिलित हैं। अगला सवाल, दाम्पत्याधिकारों का प्रत्यास्थापन का उपचार उपलब्ध है? इसका आंसर होगा पति और पत्नी दोनों को, पति और पत्नी दोनों को दाम्पत्याधिकारों का प्रत्यास्थापन का उपचार उपलब्ध है। अगला सवाल, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है, विधि द्वारा जो प्रवर्तनीय करार है वह है संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है। अगला सवाल, अगला जो है आपको इसमें से देखना है, पहला जो है भारत का आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के निर्णय पर रखी जाती है, ठीक। दूसरा इसका कथन है राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो इसका आंसर होगा दूसरा, दूसरा जो है ए और आर दोनों सत्य है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। पहला कथन ए जो है भारत का आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के निर्णय पर रखी जाती है, यह बिल्कुल सत्य है। देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और वह संसद की अनुमति के बिना भी आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। तो पहला कथन तो सत्य हो गया। दूसरा कथन है राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये तो हम जानते हैं कि जो राष्ट्रपति जो होता है उसे कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। मतलब दोनों कथन सत्य है लेकिन आर जो है वह एक कथन की व्याख्या नहीं करता है। दोनों क्वेश्चंस दोनों जो पॉइंट है, दोनों कथन वह एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग टॉपिक पर बात किया गया है। तो आर जो है वह एक कथन की व्याख्या नहीं करता है लेकिन दोनों आंसर जो है वह सही है, तो इसका आंसर होगा दूसरा, ए और आर दोनों सत्य है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। अगला सवाल, भारत में न्यायपालिका जो है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, पहला कथन है। और दूसरा कथन है न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उनकी योजनाओं को लागू करने में मदद करती है, इसका आंसर होगा तीसरा, ए सत्य है और आर गलत है। ए जो है भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, यह सत्य कथन है। भारत में जो आपका न्यायपालिका है, विधायिका है और कार्यपालिका है, ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इन्हें किसी से भी संबंधित नहीं रखा गया है। तो पहला कथन जो न्यायपालिका है वह कार्यपालिका से स्वतंत्र है, यह सही है। और दूसरा सवाल जो है न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उनकी योजनाओं को लागू करने में मदद करती है, ये कथन गलत है। न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र होती है, वह अपना जो मत है वह स्वतंत्र रूप से रखती है। तो दूसरा कथन सही है, गलत है लेकिन पहला कथन सही है, तो इसका आंसर होगा तीसरा, ए सत्य है आर गलत है। अगला सवाल, अगला सवाल है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति जवाबदेह होता है, दूसरा कथन है ज़्यादातर मंत्री निचले सदन से होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा, ए सत्य है आर गलत है। ए कथन जो है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निचले सदन के प्रति जवाबदेह होता है, यह सही है। आप मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वह निचले सदन मतलब लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, और तो ये कथन सही है। और दूसरा कथन जो है ज़्यादातर मंत्री निचले सदन से होते हैं, यह गलत है। मंत्री जो होता है वह निचले सदन अर्थात लोकसभा से या फिर उच्च सदन राज्यसभा किसी से भी हो सकता है और किसी से भी ज़्यादा या कम हो सकता है, यह कोई मतलब पॉइंट नहीं है कि ज़्यादातर मंत्री निचले सदन से होते हैं, तो यह कथन गलत है लेकिन पहला कथन सही है, तो इसका आंसर हुआ ए सत्य है आर गलत है, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल है भारत का संविधान एक नागरिकता का प्रावधान करता है, और दूसरा कथन है भारत के संविधान की प्रवृत्ति संघीय है, तो इसका आंसर होगा मित्रों, इसका आंसर होगा तीसरा, ए सत्य है आर गलत है।
तो ए में क्या कथन है, भारत का संविधान एक नागरिकता का प्रावधान करता है। जी ये सही है कि भारत का संविधान जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है, मतलब आप राज्य हो या राष्ट्र हो दोनों मिला के आपको एक ही नागरिकता दी जाएगी। जैसे अगर अमेरिका में देखें तो वहाँ राष्ट्र के नाम से अलग नागरिकता दी जाती है और राज्य के नाम से अलग दी जाती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यहाँ एक ही नागरिकता दी जाती है। तो ये सही है। और दूसरा कथन जो है, भारत का संविधान की प्रवृत्ति जो है वह संघीय है, यह गलत है। भारत की संविधान की जो प्रवृत्ति है वह अर्ध संघात्मक है, ना कि संघीय है। यहाँ का संविधान अर्ध संघात्मक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, ए सत्य है आर गलत है। अगला सवाल है आपका, एक अपराधी को अपने ही विरुद्ध अंगूठे का निशान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और दूसरा कथन है, एक अपराधी को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा चौथा, ए गलत है आर सत्य है। एक कथन क्या है, एक कथन है कि एक अपराधी को अपने ही विरुद्ध अंगूठे का निशान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये कथन गलत है, ठीक है। और दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है आपका, एक अपराधी को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये कथन आपका सही है। किसी भी अपराधी को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, दबाव उस पर नहीं डाला जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए एवं गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक। तो यह कथन सत्य है और यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका आंसर होगा चौथा, ए गलत है आर सही है। अगला सवाल है, अपराध दंडनीय है क्योंकि ऐसा विधि में प्रावधान किया गया है। और दूसरा कथन है, अपराध जो है वह नैतिकता के तौर पर समाज के विरुद्ध विद्रोह है, यह कथन जो है सही है। दूसरा कथन जो है वह सही है, मतलब ए और आर दोनों सत्य है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। मतलब ए कथन जो है, अपराध दंडनीय है क्योंकि ऐसा विधि में प्रावधान किया गया है, ये सही है। और दूसरा कथन जो है, अपराध नैतिकता के तौर पे समाज के विरुद्ध विद्रोह है, ये भी सही है। लेकिन आर जो है वह एक की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा दूसरा, आर और ए दोनों सत्य है परंतु आर जो है वह एक की व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है, रूढ़ि का विधिक प्रभाव होने के लिए उसका पुरातन होना आवश्यक है। और दूसरा कथन है, रूढ़ि लोगों की सामान्यतः अंतःकरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका आंसर होगा मित्रों दूसरा, दूसरा जो कथन दिया है, ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो इसमें ए में क्या है, रूढ़ि का विधिक प्रभाव होने के लिए उसका पुरातन होना आवश्यक है, ये कथन सही है। और आर है, रूढ़ि लोगों की सामान्य अंतःकरण का प्रतिनिधित्व करती है, रूढ़ि लोगों की सामान्य अंतःकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही है लेकिन आर जो है वह एक की व्याख्या नहीं कर सकता कर रहा है, इसलिए इसका आंसर दूसरा होगा। अगला सवाल, डंकन पास स्थित है। डंकन पास कहाँ स्थित है, अंडमान और निकोबार के बीच में। अंडमान और निकोबार के बीच में डंकन पास स्थित है, अंडमान एवं निकोबार के बीच में, ठीक है। यह जो है 48 मीटर चौड़ी है, 48 किलोमीटर चौड़ी है। डंकन पास जो है वह 48 किलोमीटर चौड़ी है और यह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ती है। डंकन पास जो है 48 किलोमीटर चौड़ी है, ये तो हम जान गए, और यह बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान सागर दोनों को जोड़ती है, और यह स्थित कहाँ है, अंडमान तथा निकोबार के बीच में। अगला सवाल, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई थी किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा देश मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करता है, इसका आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस देश जो है वह मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान करता है। आपको यह भी याद रखना है कि जो मैग्सेसे पुरस्कार है उसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या, एशिया का नोबेल फिलीपींस सरकार द्वारा जो मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है उसे कहा जाता है। और भारत के प्रथम व्यक्ति किन्हें थे जो मैग्सेसे पुरस्कार पाए थे, उनका आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है, समय मापन के विज्ञान को कहा जाता है, समय मापन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, होरोलॉजी।
होरोलॉजी जो है वह समय मापन के विज्ञान को कहा जाता है। होरोलॉजी समय मापन के विज्ञान को कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल। संगणकी कंप्यूटर में एक निब्बल जो होता है वह 4 बिट्स के बराबर होता है। जो कंप्यूटर जो है उसमें एक निब्बल जो है वह 4 बिट्स के बराबर होता है। ठीक, अगला सवाल। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के संस्थापक निम्न में कौन हो? इसका आंसर होगा तीसरा। तीसरे में जो आपके हैं बिन स्टोन, बीज स्टोन, इवान विलियम्स, नोआ ग्लास, जैक डोरसे, यह चारों जो हैं उन्हें सोशल साइट जो ट्विटर है उनका उसका संस्थापक माना जाता है। अच्छा, ट्विटर की जो स्थापना हुई थी, ट्विटर की स्थापना 2006 मार्च 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वह अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक, अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वह ग्रीन गैस हाउस नहीं है। वहीं जो आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला सवाल। चौरी चौरा की घटना की परिणति निम्नलिखित में से किसके अचानक बंद होने के रूप में हुई? इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा जो 1921 में आंदोलन चलाया जा रहा था असहयोग आंदोलन, वह क्यों बंद कर दिया गया था? वह चौरी चौरा घटना जो हुई थी उसके कारण बंद कर दिया गया था। अच्छा, चौरी चौरा घटना जो है वह कब हुआ था? यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसमें जो है 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। इसी घटना के उपरांत जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद करने की घोषणा की थी। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सटीक तिथि है जिस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई? इसका आंसर होगा अप्रैल 1946। मित्रों, जो यहाँ अप्रैल 28 दिया गया है, यह 28 अप्रैल ना होकर 3 अप्रैल होगा। 3 अप्रैल 1946 को नीदरलैंड की राजधानी द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रयुक्त किया जाता है उन चट्टानों के लिए जो भूमि में पर्याप्त गहराई में निर्मित होते हैं लावा के घनी भवन होने के फलस्वरूप? तो इसका आंसर होगा वितलीय चट्टान जो है वह उन चट्टानों के लिए है जो भूमि में पर्याप्त गहराई में निर्मित होते हैं लावा के घनी भवन होने के फलस्वरूप। ठीक, अगला सवाल है, मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? मौद्रिक नीति जो है वह लोक राजस्व एवं व्यय से संबद्ध है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है उन पौधों को इंगित करने के लिए जो खारे पानी में उगते हैं? इसका आंसर होगा हेलोफाइटा। हेलोफाइटा के लिए जो है वह संबोधन का प्रयोग किया जाता है जिसमें पौधे को जो है वह खारे पानी में उगते हैं। जो खारे पानी में पौधे उगते हैं उन्हें हेलोफाइटा के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? इसका आंसर तो मित्रों आप लोग भली भांति जानते होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यह कौन से आर्टिकल में है? यह 108वें आर्टिकल में है। 108वें अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो 108 अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो है वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। ठीक, अच्छा, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वह सुमित्रा महाजन है। ठीक है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक, अगला सवाल। सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन समुद्र के जल से कॉमर्शियल स्केल पर प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर का आयोडीन। आयोडीन जो है वह सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त है जो समुद्र के जल से कॉमर्शियल स्केल पर प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है? इसका आंसर होगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वह आग्नेय चट्टान है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके पद
क्यों का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा विलियर्ट्स। विलियर्ट्स जो है उसमें क्यों पद का उपयोग किया जाता है। अच्छा, आपको पता होगा कि भारत के जो पंकज आडवाणी हैं वह विलियर्ट्स के विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? इसका आंसर होगा सिरी माभो भंडार नायके। सिरी माभो भंडार नायके जो हैं वह श्रीलंका की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और वह विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन हाल ही में फ्रांस का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है? तो इसका आंसर होगा इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों जो हैं वह फ्रांस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगला सवाल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का प्रतीक है? इसका आंसर होगा अलग अलग रंगों की पांच रिंगे। अलग अलग रंगों की जो पांच रिंगे होती हैं वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। अच्छा, 2016 का जो ओलंपिक था वह ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था और अगला ओलंपिक जो है वह 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत भारतीयों के लिए का राजनीतिक संदेश है किसका था? दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए राजनीतिक संदेश दिया था। अगला सवाल, चीन की दीवार की लगभग लंबाई कितनी है? मित्रों, इस क्वेश्चन को लेकर कुछ डाउट है, इसका सही से कुछ जो है आंसर पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अगर BHU के ऑफिशियल आंसर की बात करें तो उसमें 3460 मीटर जो है इसका आंसर दिया गया है। तो BHU ऑफिशियल आंसर के अनुसार चीन की दीवार की लगभग लंबाई 3460 है। अच्छा, चीन की दीवार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में भी घोषित कर रखा है, ये आपको मालूम होगा, और इसे विश्व के 7 आश्चर्यजनकों में से एक माना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो 1979 में 1977 में हुआ था, 1977 में, उसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल, मूल कर्तव्यों को संविधान में समाहित किया गया, इसका आंसर क्या होगा? 42वां संशोधन। 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था, उस संशोधन के अनुसार मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। यह राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो आखिरी आर्टिकल है 51वां, उसके 51A में इसको सम्मिलित किया गया है और यह रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है और इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्य को संविधान में कब समाहित किया गया? 42वें संशोधन के द्वारा। अगला सवाल, संविधान के तीसरे भाग में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? इसका आंसर होगा 86वां संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के तीसरे भाग में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष जो 6 से 14 ईयर्स के बीच के बच्चे होते हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21A में, और इसका जो है 86वां संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा 2002 में यह हुआ था। 2002 में 86वां संशोधन अधिनियम पारित हुआ था जिसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। अगला सवाल, लेक्स लोसी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राष्ट्र का कानून। लेक्स लोसी का अर्थ होता है राष्ट्र का कानून। अगला सवाल, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मिलती है? इसका आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व में संविधान के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मिलती है। अब अगला सवाल, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का अधिवेशन जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह बुलाते हैं। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति। और अच्छा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ठीक, अच्छा, संसद आया तो संसद के बारे में एक दो पॉइंट में बता दूं कि संसद में जो होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा के जो सभापति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, वह सुमित्रा महाजन हैं,
और राज्यसभा अध्यक्ष जो हैं वह हैं वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। और राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वह कौन है? हरिवंश, हरिवंश जो हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है भारत के किस उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है उसमें पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, और यह कौन थी? यह थी लीला सेठ। लीला सेठ जो थी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। तो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ, जिन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया था। अगला सवाल, राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि किस श्रेणी में आता है? यह किस श्रेणी में आता है? सर्वोच्च, राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि सर्वोच्च श्रेणी में आता है। अगला सवाल, प्लासी के युद्ध का स्थल स्थित है, यह कहाँ स्थल स्थित है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में प्लासी के युद्ध का स्थल स्थित है। अच्छा, प्लासी का युद्ध हुआ कब था? यह 1757 में प्लासी का युद्ध जो है वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, और इसमें विजयी जो है वह अंग्रेजी सेना रही थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। तो प्लासी का युद्ध 1757 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब आगे जो मित्र हैं, इसमें कुछ जो आपको बताया था मैंने पहले ही, मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चंस होंगे और कुछ रीजनिंग जो है वह होगा, तो यह आप लोग खुद बनाइएगा। इस पर मैं अलग वीडियो जो है आपका मैथ और रीजनिंग से संबंधित वीडियो कुछ बना दूंगा जिसमें आपको सहायता पहुँचेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आज का जो ये जीके जीएस से संबंधित जो आपका क्वेश्चंस था वह समाप्त हुआ। अब मैं एलएलबी का जो और भी पिछले साल का कुछ क्वेश्चंस है, मैं कोशिश करूँगा कि 4-5 वर्ष का एलएलबी का क्वेश्चंस जो एंट्रेंस में आ रहा है उसे उस पर उसके ऊपर कुछ वीडियोज़ बना दूँ, ठीक है, जिससे आपको मदद मिले और आपका जो एलएलबी है वह क्रैक हो जाए। धन्यवाद मित्रों, बेस्ट ऑफ लक, आपको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।